Hi friends, welcome back to my channel and please subscribe my channel MD Education Videos for more such videos. So friends, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th HBSC हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी. इस चैप्टर में हम आजाद हिंद फौज और नेताजी की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे. तो बिना देरी किए हम चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू फ्री इंडिया फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ईयर्स इन्यूमरेबल कंट्रीमैन फॉट विद देयर वैलर लॉयल्टी डेडिकेशन एंड करेज. भारत को वर्षों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए देश के असंख्य देशभक्तों ने अपनी वीरता निष्ठा और लगन और साहस के साथ संघर्ष किया. वन ऑफ दीज पेट्रॉइट्स वाज अ ग्रेट हीरोइक पेट्रॉइट नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इन्हीं देशभक्तों में से एक महान वीर देशभक्त थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस. He fought throughout his life to free his motherland from slavery and sacrificed his life. उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी मातृभूमि को मुक्त करवाने के लिए ही संघर्ष किया था. He is considered on par with Gandhi ji and Bhagat Singh in popularity in the Indian national freedom. भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोकप्रियता में उन्हें गांधी जी और भगत सिंह के बराबर माना जाता है. He organized the Indian National Army and uttered the slogan, "You give me blood, I will give you freedom." उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. गांधी जी कॉल्ड हिम द पेट्रॉइट ऑफ पेट्रॉइट्स बिकॉज ऑफ हिज अनफ्लेमेबल पेट्रियटिज्म. गांधी जी ने उनके अथाह देशभक्ति के कारण उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा. हिज पॉलिटिकल राइवल पी सीतारमन डिस्क्राइब्ड हिम एज अ पॉलिटिकल फिगर लाइक अलेक्जेंडर चेजल क्रॉमवेल. जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे पी वी सीतारमैया, उन्हें सिकंदर सीजर और क्रॉमवेल के समान राजनीतिक विभूति बताया. यू मस्ट नो दैट द टाइटल ऑफ लोकमान्य इज यूज्ड फॉर बाल गंगाधर तिलक. आप ये तो जानते ही होंगे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई. मदन महामनाफ और मदन मोहन मालवीय, महामना की उपाधि दी गई मदन मोहन मालवीय को. गुरुदेव फॉर रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहा गया. एंड महात्मा फॉर मोहनदास करमचंद गांधी, और जो गांधी जी थे मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, उनको महात्मा कहा गया. इन द सेम वे द पीपल ऑफ इंडिया एड्रेस सुभाष चंद्र बोस एज नेताजी. इसी प्रकार भारत के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम दिया. और ये दी गई है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर. अब कर लेते हैं अर्ली लाइफ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आरंभिक जीवन. सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन जनवरी 23, 1897 इन कलकत्ता उड़ीसा टू प्रभावती एंड जनकित बोस. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को कटक, जो कि उड़ीसा में, उसमें प्रभावती और जानकीनाथ बोस के घर में हुआ. ही वॉज द 9th of 14 siblings. वे 14 भाई बहनों में से 9वें नंबर पर थे. एज द एज एट द एज ऑफ 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज सेंट टू एन इंग्लिश प्रोटेस्टेंट स्कूल इन कलकट. जिसके बाद 5 साल की आयु में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कटक के एक अंग्रेजी प्रोटेस्टेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया. ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट एंड ऑलवेज मेड प्रोग्रेस इन स्टडीज, सो ही वॉन द अफेक्शन ऑफ ऑल द टीचर्स. वो उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए वो सभी अध्यापकों के प्रिय बन गए थे. ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंग्लिश स्कूल ही हेटेड द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द बिगिनिंग. जो उनके साथ अंग्रेजी स्कूल में भेदभाव किया जाता था उसके कारण ही वो शुरू से ही अंग्रेजों से नफरत करते थे. आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन ही ज्वाइंड रेवेन्शो कॉलेजिएट स्कूल. फ्रॉम द स्कूल ही पास्ड द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1913 एंड स्टूड सेकेंड इन द प्रोविंस. प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेन्शा कॉलेज स्कूल में दाखिला लिया और इस स्कूल में उन्होंने 1913 में मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की और पूरे प्रांत में दूसरे स्थान पर रहे.
ऑटन कंट्रोवर्सी, ऑटन विवाद। सुभाष चंद्र बोस टुक एडमिशन इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता फॉर हायर एजुकेशन। सुभाष चंद्र बोस ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। ही पास द एग्जामिनेशन ऑफ एफए इन फर्स्ट क्लास इन 1915 AD। उन्होंने 1915 में एफए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। आफ्टर दैट ही कंटिन्यूड हिज फ्यूचर स्टडीज। जस्ट देन एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हैपेंड व्हिच चेंज्ड नेताजीज लाइफ। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। तभी उनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने नेताजी के जीवन को ही बदल दिया। कॉलेज प्रोफेसर EF कॉटन एंड JW होम्स यूज्ड टू मिसबिहेव विद इंडियन स्टूडेंट्स एंड मेक अब्यूसिव रिमार्क्स रिलेटेड टू इंडियन नेशनैलिटी। जब उनके कॉलेज के प्रोफेसर AE ऑटन और JW होम्स भारतीय विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते और भारतीय राष्ट्रीय से संबंध गलत टिप्पणी करते रहते थे, सम इंडियन स्टूडेंट्स अटैक्ड ऑटन। कुछ विद्यार्थियों ने ऑटन पर हमला कर दिया। Although सुभाष was not among them, but he was an eyewitness to the incident. हालांकि सुभाष चंद्र बोस उनमें शामिल नहीं थे, लेकिन वो उस घटना के चश्मदीन गवाह थे। सुभाष refused to reveal the names of attacking students before the inquiry committee. और सुभाष ने जांच समिति के सामने उन आक्रमणकारी छात्रों के नाम बताने से मना कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was expelled from the college as a punishment, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसके सजा के स्वरूप में कॉलेज से निकाल दिया गया। After that, his life changed. इसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। In 1917 AD, he joined the Scottish Church College, जिसके बाद 1917 में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। Here he took military training and visited Fort William several times as a cadet. यहाँ पर उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण लिया और फोर्ट विलियम की यात्रा कैडेट के रूप में कई बार की। Later this experience came in handy in the operation of Indian National Army. बाद में उनका ये अनुभव आजाद हिंद फौज के संचालन में काम आया। He passed his graduation in philosophy in 1919 AD. उन्होंने 1919 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आइडियाज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श। व्हेन ही वाज यंग ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसिप्लिनियन मदर प्रभावती। जब वे छोटे थे तो उन पर उनकी अनुशासन प्रिय माता प्रभावती का गहरा प्रभाव पड़ा। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल बेन्नी माधव व्हेन ही ग्रू अप। बड़ा होने पर वो स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधव से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रामकृष्ण परमहंस एंड विवेकानंद एंड वाज वंस डीपली इमर्स्ड इन स्पिरिचुअलिटी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से भी वे काफी प्रभावित हुए थे। एक बार तो वे आध्यात्म में गहरे डूब गए थे। ही वाज अ सपोर्टर ऑफ द आइडियाज ऑफ अरविंद घोष एंड रविंद्रनाथ टैगोर। वो अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के समर्थक थे। लेटर ही एक्सेप्टेड देशबंधु चितरंजन दास एज हिज गुरु। बाद में उन्होंने देशबंधु चितरंजन दास को अपना गुरु मान लिया था। हिज एंट्री इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रवेश। इन 1919 AD सुभाष चंद्र बोस फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू पास द ICS एग्जामिनेशन। 1919 में सुभाष चंद्र बोस के पिता ने उन्हें ICS की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ही स्कैड फोर्थ प्लेस इन द ICS एग्जामिनेशन हेल्ड इन 1920। 1920 में हुई ICS की परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। नाउ ही हैड टू टेक द टफेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। इधर ही शुड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश बाय बिकमिंग ICS एंड लीडिंग अ लेविश लाइफ और else give up his post and sacrifice his life in the service of his motherland. अब उनके पास उनके जीवन का सबसे कठोर निर्णय लेने का समय था। वो ये था कि या तो वो ICS बनकर अंग्रेजों का सहयोग करें और एक ऐश्वर्य से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें, या फिर त्याग पत्र देकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दें। He decided to enter national politics by resigning from ICS. फिर उन्होंने ICS से त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय
राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। ही रीच्ड इंडिया ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921 एडी आफ्टर रिजाइनिंग ऑन जुलाई 16, 1921 एडी ही रीच्ड मुंबई एंड मेट गांधी जी। फिर उन वो जो थे त्याग पत्र देकर नेताजी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारत आ पहुंचे और मुंबई में वो गांधी जी से मिले। ही हैड थ्री क्वेश्चंस इन हिज माइंड, उनके दिमाग में तीन प्रश्न थे। हाउ कैन कांग्रेस प्रोग्राम्स प्रिवेंट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पहला था कि कांग्रेसी कार्यक्रमों से करों की जो अयादगी है वो कैसे बंद हो। दूसरा था हाउ विल द ब्रिटिश लीव इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और असहयोग आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़कर कैसे चले जाएंगे। हाउ विल गांधी जी फुलफिल्स द प्रोमिस ऑफ स्वराज इन 1 ईयर, और गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का वचन कैसे पूरा करेंगे। गांधी जी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, गांधी जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुभाष वाज सेटिस्फाइड विद द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र उनके पहले क्वेश्चन जो उनका पहला आंसर दिया उन्होंने पहले क्वेश्चन का उससे सेटिस्फाई हो गए, बट द अदर आंसर्स कुड नॉट सेटिस्फाई हिम, लेकिन जो बाद के दो उत्तर थे उससे वे संतुष्ट नहीं हो पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेंट टू कलकत्ता ऑन द सजेशन ऑफ गांधी जी एंड मिट चितरंजन दास एंड एक्सेप्टेड हिम एज हिज पॉलिटिकल गुरु। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के सुझाव पर कलकत्ता जाकर चितरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। द मूवमेंट वॉज गोइंग टू अक्रॉस द कंट्री व्हेन द अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया वॉज मेड। देश भर में आंदोलन जारी था तभी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने की घोषणा हुई। ही जंप्ड इनटू द मूवमेंट्स एंड स्टार्टेड अपोजिंग द टूर ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, वो आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने वेल्स के दौरे का विरोध करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट वॉज पैनिक्ड, सरकार घबरा उठी। चितरंजन दास अपॉइंटेड हिम द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज, चितरंजन दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त कर दिया। His amazing organizing abilities and eloquent speech began to cast his spell in Bengal. उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और ओजस्वी भाषण से बंगाल में उनका जादू छाने लगा। He was arrested on December 10, 1921 AD. 10 दिसंबर 1921 को वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। This was his first arrest. ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी। Later he went to jail at total of 11 times in a span of 20 years till he disappeared from India in 1941 AD. उनकी पहली गिरफ्तारी थी ये 10 दिसंबर वाली, और उसके बाद 1941 में भारत से अदृश्य होने तक 20 वर्ष की अवधि में वे कुल 11 बार जेल गए। वर्क ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का कार्य है। आफ्टर द चोराचोरी इंसिडेंट इन 1922 AD when gandhi ji suspended the non cooperation movement, subhash expressed deep anguish by calling it a national calamity. jab 1922 mein chora chori ki ghatna ke baad gandhi ji ne asahyog andolan sthagit kar diya tha to subhash chandra bose ne ise ek rashtriya vipatti batakar gehra shobh vyakt kiya tha. he along with his political mentor chitranjan das formed the swaraj party. उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु चितरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। On opposing the Bengal Ordinance, the British government accused him of having a revolutionary conspiracy and again arrested him and sent him to Mandale jail in Burma. बंगाल अध्यादेश का विरोध करने पर ब्रिटिष सरकार ने उन पर क्रांतिकारी षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके बर्मा की मंडाले जेल में भेज दिया। He was proud to come to this jail because earlier leaders like Tilak and Lala Lajpat Rai had lived in this jail. उस जेल में जाने के बाद उन्हें खुद पर गर्व महसूस हुआ क्योंकि तिलक और लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े महान नेता इसी जेल में रहे थे। 2 years later he was brought to the Calcutta jail but was released due to bad health. 2 साल के बाद उन्हें कलकत्ता की जेल में लाया गया लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। In 1923 when C.R. Das became the mayor in Calcutta municipal corporation elections, he appointed Netaji as his chief executive officer. जब 1923 में कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में C.R. Das महापौर मतलब मेयर बने
तो उन्होंने नेताजी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया। वाइल इन दिस पोजिशन ही चेंज्ड द नेम्स ऑफ द मेन स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता फ्रॉम द नेम्स ऑफ ब्रिटिश एंड नेम्ड देम आफ्टर ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कलकत्ता की मुख्य सड़कों के नाम अंग्रेजों के नामों से बदलकर भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन इन 1927, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो ज्वाइन द बाइकट मूवमेंट ऑफ दिस कमीशन अक्रॉस द कंट्री। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद देश भर में इस कमीशन का बहिष्कार आंदोलन जो हो रहा था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हो गए। ड्यू टू द लैक ऑफ मेंशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन द नेहरू रिपोर्ट ही अलोंग विद जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग विद इन द कांग्रेस एंड स्टार्टेड परस्यूइंग द कांग्रेस टू गेट द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज का जिक्र न होने के कारण उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा कांग्रेस पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। एट द फर्स्ट मीटिंग ऑन जुलाई 16, 1921 ही देर वॉज अ फीलिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। 16 जुलाई 1921 में अपने पहले मिलन से ही गांधी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक विरोध के भाव थे। गांधी जी बिलीव्ड डीपली इन द सेंटेसी ऑफ बोथ द मीन्स ऑफ द एंड वेयर नेताजी वाज इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग एनी मीन्स फॉर द एंड। जिसमें गांधी जी साधन और साध्य दोनों के लिए पवित्रता में गहरा विश्वास रखते थे जबकि नेताजी साध्य के लिए किसी भी साधन को अपनाने के हक में थे। ड्यू टू नॉट बींग एबल टू सेव भगत सिंह एट दैट टाइम ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ही क्रिटिसाइज गांधी जी एंड शोड सिंपथी टुवर्ड द रिवोल्यूशनरीज। गांधी इरविन समझौते के समय भगत सिंह को न बचा पाने के कारण उन्होंने गांधी जी की आलोचना की और क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। एट द एज ऑफ 33 ही वॉज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ कलकत्ता। 33 साल की आयु में कलकत्ता के वो मेयर बन गए। When Gandhi ji recalled the civil disobedience movement in 1933 to 1934, he wrote from Vinaya that Gandhi ji had made the sacrifices of the people of the past year go in vain. जब 1933 से 34 के बीच में गांधी जी ने सविनयावज्ञा आंदोलन बंद किया तो उन्होंने विनया से लिखा कि गांधी जी ने लोगों के पिछले वर्षों की कुर्बानियों को भी व्यर्थ कर दिया है। अब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा सेशन हरिपुरा अधिवेशन। इन गिविंग इम्पोर्टेंस टू द नेशनल सर्विस ऑफ सुभाष चंद्र बोस इट वाज हिज एब्सेंस दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनिमसली इलेक्टेड हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 AD। सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेवाओं को महत्व देते हुए उनकी अनुपस्थिति में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सर्वसम्मति के साथ उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनने के बाद ही स्टार्टेड इंटेंसिफाइंग द पेस ऑफ कांग्रेस एंड स्टार्टेड कंपेनिंग फॉर इंडिपेंडेंस विगोरसली। उन्होंने कांग्रेस की गति को तीव्रता देनी शुरू कर दी और स्वतंत्रता का जोर जोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। He was in favor of launching the freedom struggle by giving a timely warning to the government. वे सरकार को एक समयबद्ध चेतावनी देकर स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ने के पक्ष में थे। नेताजी already had differences with Gandhi ji. नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के साथ पहले से ही मतभेद थे। With his forward-looking policy, these differences were further widened. उनकी इस अग्रगामी नीति से ये मतभेद और ज्यादा बढ़ गए। He had ideas related to foreign policy and economic reconstruction in India. उन्होंने भारत में भारत की विदेश नीति और आर्थिक पुनर्निर्माण से संबंधित विचार रखे। He had foreseen the explosive situation in Europe and wanted to take advantage of it. उन्होंने यूरोप की विस्फोट स्थिति का आभास था पहले से ही जिसके कारण वे इसका फायदा उठाना चाहते थे। Next is Tripuri session, Tripuri Adhivation. In 1939 AD, the Congress session was held in Tripuri, Madhya Pradesh. 1949 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ अधिवेशन हुआ वो त्रिपुरी में हुआ जो कि मध्य प्रदेश में है। He wanted to become president again.
वो दोबारा से अध्यक्ष बनना चाहते थे। गांधी जी वॉज अगेंस्ट हिज इम्पेशंस, गांधी जी उनकी आतुरता के विरुद्ध थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी हिम द प्रेजिडेंट अगेन, वो दोबारा से उन्हें अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे। इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार चुनाव हुए। सुभाष गोट 1580 एंड गांधी जी इज रिप्रेजेंटेटिव, पत्ता भी सीतारमनिया गोट 1377 वोट्स, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को 1580 और गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मत मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया। बट ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स ही कुड नॉट रन द कांग्रेस फॉर लॉन्ग, लेकिन गांधी जी और गांधीवादियों के असहयोग के कारण वे अधिक समय तक कांग्रेस का संचालन नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज रिजाइनेशन, त्याग पत्र। गांधी जी कंसिडर सीतारमैया डिफीट एज हिज डिफीट, गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार माना था। ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नेताजी हैड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ ऑन 29 अप्रैल 1939 AD। कार्यकारियों के विरोधों के परिणाम स्वरूप नेताजी को 29 अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा। ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक ऑन May 1939 AD एंड फॉलोइंग द फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्टेड मेकिंग द आउटलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अपनी अग्रगामी नीति का अनुसरण करते हुए देश भर में आंदोलन की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। मीनवाइल द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड इन September 1939 AD, जबकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 में। नेताजी स्टार्टेड मेकिंग न्यू प्लान्स, फिर नेताजी ने नए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सुभाष चंद्र बोस अराइवल इन जर्मनी, दूसरा विश्व युद्ध और सुभाष चंद्र बोस का जर्मनी पहुंचना। डेटिनेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की नजरबंदी। नेताजी वाज टू वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, नेताजी विश्व युद्ध का लाभ उठाना चाहते थे। ही स्टार्टेड टू मूवमेंट थ्रो फॉरवर्ड ब्लॉक अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने देश भर में फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से आंदोलन शुरू कर दिया। ऑन June 22, 1940 AD ही मीट सावरकर एंड मेड अ प्लान फॉर इंडिपेंडेंस विद फॉरेन हेल्प। 22 जून 1940 को वो सावरकर से मिले और उनके साथ स्वतंत्रता के लिए विदेशियों की मदद मांगनी चाही। ऑन July 2, 1940 AD ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन जेल, 2 जुलाई 1940 को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ऑन November 26, 1940 AD सुभाष चंद्र बोस रोट अ लेटर टू द गवर्नर दैट रीड्स दस, द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू सर्वाइव, इट इज नेसेसरी फॉर मी टू डाई टूडे सो दैट इंडिया कैन अटेन फ्रीडम एंड ग्लोरी। जिसके बाद 26 नवंबर 1940 को सुभाष ने गवर्नर को पत्र लिखा कि राष्ट्र को जीवित रखने के लिए व्यक्ति का मरना आवश्यक है, आज मेरा मरना जरूरी है ताकि भारत स्वतंत्रता के गौरव को प्राप्त कर सके। आफ्टर दिस ऑन November 29, 1940 AD ही स्टार्टेड अ हंगर स्ट्राइक, 29 नवंबर 1940 को उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। विद इन अ फ्यू डेज हिज कंडीशन स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, कुछ ही दिनों के अंदर उनकी स्थिति खराब होने लगी। द गवर्नमेंट पैनिक्ड ऑन December 5, 1940 सुभाष वॉज रिलीज फ्रॉम जेल एंड लेटर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन हाउस इन कलकत्ता। 5 दिसंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस को जेल से रिहा कर दिया गया और बाद में उन्हें कलकत्ता में उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। अराइविंग इन जर्मनी इन डिस्गाइज, भेष बदलकर जर्मनी पहुंचना। आफ्टर हाउस अरेस्ट ही स्टॉप्ड गोइंग टू मीट पीपल, घर में नजरबंदी के बाद उन्हें सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। ही ग्रू हिज ब्रेड ऑन द नाइट ऑफ 16 जुलाई 1941 डिस्गाइज्ड एज मौलवी जलाउद्दीन, ही रीच्ड पेशावर फ्रॉम कलकत्ता एंड देन फ्रॉम पेशावर टू काबुल। दाढ़ी बढ़ा ली उन्होंने
और 16 जनवरी 1941 को रात के समय पर मौलवी जियाउद्दीन का भेष धारण करके वे कलकत्ता से पेशावर, फिर पेशावर से काबुल पहुंच गए। वक्तम एंड उत्तम चंद मल्होत्रा असाइंड हिम इन दिस। इसमें भक्तराम और उत्तम चंद मल्होत्रा ने उनकी सहायता की। हिज थ्रिलिंग जर्नी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय उत्तम चंद मल्होत्रा इन हिज बुक व्हेन सुभाष वाज जियाउद्दीन। और उनके रोमांचक यात्रा का वर्णन उत्तम चंद मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक सुभाष जब जियाउद्दीन थे में किया। व्हेन ही प्रोसीडेड टू मॉस्को बट रशिया हैड जॉइंड द वार ऑन द अलाइड साइड। उसके बाद वे मॉस्को की ओर रवाना हुए, लेकिन रूस मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए, मतलब शामिल हो गया था रूस उस समय पर। सो ही रीच्ड बर्लिन विद द हेल्प ऑफ इटालियन एम्बेसी, जिसके बाद वे इटालियन दूतावास की मदद से बर्लिन पहुंच गए। हिज नेम वाज इंस्क्रिप्टेड ओलैंड्रो मंजोता ऑन द पासपोर्ट। पासपोर्ट पर उनका नाम ओरलैंडो मजोता अंकित था। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस नजरबंदी के समय पर उनका फोटो, नजरबंदी के समय का ये, जब वो जियाउद्दीन बने और जब ये ओल्हारो मंजोता बने। मीटिंग विद हिटलर, हिटलर से मुलाकात। बोस मीट हिटलर आफ्टर अ गैप ड्यूरिंग हिज जर्मन स्टे। जर्मन प्रवास के दौरान एक अंतराल में बोस हिटलर से मिले। व्हेन हिटलर आस्क्ड अबाउट द नेचर ऑफ हिज पॉलिटिकल विजन, ही आस्क्ड वन रेंट हु वाज वर्किंग इन एन इंटरप्रेटर टू टेल हिज एक्सीलेंटली दैट आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स ऑल माई लाइफ एंड आई नीड नॉट समवंस एडवाइस इन दिस रिगार्ड। जब हिटलर से ने उनसे उनकी राजनीतिक परिकल्पना के स्वरूप के बारे में पूछा, तो उन्होंने वॉन्ड्रिट को दुभाषीय करते कह रहे थे वो कि महामहिम से कह दो कि मैं जीवन भर राजनीति में रहा हूं और मुझे इस संबंध में किसी के परामर्श की जरूरत नहीं है। ये जो थे, मतलब कि जैसे जो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी नहीं सीख पाए, मतलब उनको नहीं आती थी, तो ये मतलब उनको भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए उनके साथ में थे। द इंटरप्रेटर ट्रांसलेटेड डिप्लोमेटिकली, और फिर दुभाषी ने कूटनीति पूर्वक इसका अनुवाद कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सेंटर एंड आजाद हिंद रेडियो इन जर्मनी। जर्मनी में स्वतंत्र भारत केंद्र और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना। आफ्टर रीचिंग बर्लिन जर्मनी नेताजी एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट सेंटर इंडिया। जर्मनी में बर्लिन पहुंचने के बाद नेताजी ने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना करी। इट हैड 20 इंडियन मेंबर्स, जिसमें 20 भारतीय सदस्य थे। विद द हेल्प ऑफ अ मेंबर डॉक्टर मी एम आर व्यास, आजाद हिंद रेडियो वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग इन द कंट्री। एक सदस्य डॉक्टर एम आर व्यास की मदद से आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई और पूरे देश में प्रसारण शुरू किया गया। ही फॉर्म्ड अ कॉन्टिनेंट ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार इन जर्मनी विच वॉज अ प्रोसीजर ऑफ आजाद हिंद फौज। और उन्होंने जर्मनी में भारतीय युद्ध बंदियों से एक सैन्य दल संगठित किया और आजाद हिंद फौज का पूर्वगामी रूप था ये। नेताजी फॉर्म्ड द जर्मन फॉरेन डिपार्टमेंट अबाउट हिज प्लान एंड जर्मन फॉरेन डिपार्टमेंट स्टार्टेड गिविंग फाइनेंशियल हेल्प टू नेताजी। नेताजी ने जर्मन विदेश विभाग को अपनी योजना के बारे में बताया और जर्मन विदेश विभाग ने नेताजी को वित्तीय, मतलब पैसे की मदद करनी शुरू कर दी। ही प्रोमिस दैट द लोन वुड बी रिपेड व्हेन ही वाज फ्री। उन्होंने वादा किया था कि आजाद होने पर उनका ऋण चुका दिया जाएगा। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ही रिपेड 5 लाख येन फ्रॉम द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडियंस इन साउथ ईस्ट एशिया। उन्होंने 2 साल के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीयों से इकट्ठे किए गए धन में से 5 लाख येन टोक्यो में जर्मन राजदूत को चुकाए भी थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे वाले, उनको हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में करेंगे। पार्ट नंबर 2 में चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने बाकी फ्रेंड्स के पास भी इसे शेयर कर दो ताकि वो भी हमारी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कहीं से भी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।